चंद्रपुर जिले में कोरोना के रुग्णों में लगातार बढ़त हो रही है और यह बढ़त थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिला आरोग्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दोपहर 3 बजे तक 9 संक्रमित रुग्णों के संबंध में और जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से अब कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या 333 हो चुकी है और उसमें से 202 कोरोना मुक्त हो चुके हैं तथा उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और वर्तमान में एक्टिव रुग्णों की संख्या 131 है तथा सभी पर उपचार शुरू है। आज जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मूल के वार्ड नंबर 14 के ताडाला रोड के एक 48 वर्षीय व्यवसायी के संपर्क से संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ है और यहाँ के राइस मिल के कामगारों के संपर्क का व्यवसायी बताया जा रहा है। वहीं वाशिम जिले के कारंजा लाड में काम करने वाले सावली तहसील के लोंदड़ी के एक 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कारंजा लाड से आने के बाद उसे संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था। मूल तहसील के नांदगांव में कार्यरत रहने वाले चंद्रपुर शहर के चोर खिड़की परिसर में रहने वाले एक 56 वर्षीय गृहस्थ को सांस की तकलीफ के चलते शासकीय रुग्णालय में भर्ती किया गया था और उनका स्वैब लिया गया। अब वही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भद्रावती के जैन मंदिर परिसर में SRPF दल के विलगीकरण रहने वाले पुलिस जवान में से 4 पुलिस जवानों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा भद्रावती शहर के पॉजिटिव रहे नागरिक के कुचना के संपर्क में आने से एक 15 वर्षीय लड़के की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस 15 वर्षीय लड़के को संस्थात्मक क्वारंटाइन किया गया था। चंद्रपुर शहर के दांडिया मैदान पर रहने वाले एक 60 वर्षीय महिला की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांस में तकलीफ के चलते उसे वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती किया गया था और बीते दिन उसका स्वैब लिया गया था और आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है चंद्रपुर जिले में कोरोना के संक्रमित रुग्णों की संख्या 333 पहुंच चुकी है और नागरिकों ने अब इस संबंध में सावधानी बरतना अनिवार्य है। नागरिक काम न होने पर घरों से बाहर न निकले, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है।